क्या आप भी चाहते हो ऐसा प्रोफेशनल रेज्यूम बनाना? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही प्रोफेशनल रेज्यूम बनाना सिखाऊंगा, और वो भी अपने मोबाइल से। बस आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, आप भी ऐसा रेज्यूम बनाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और हां गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस, अगर आपको ऐसा ही प्रोफेशनल रेज्यूम बनाना है तो इसके लिए आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप का नाम MS Word है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप भी इसको ओपन करके साइन अप कर लेना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको ब्लैक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पेज का एडजस्टमेंट करना है। पेज का सेटअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो पेज है जब आप प्रिंट करवाने जाओगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सबसे पहले ऊपर ये मोबाइल व्यू का एक आइकन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर पेज का सेटअप करेंगे, इसलिए हम नीचे एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको सिंपली इसे होम वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एक लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको लेआउट के बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से साइज सिलेक्ट करना है। आपको गाइस साइज क्या सिलेक्ट करोगे, आप A4 साइज का, A4 साइज के पेज को आप सिलेक्ट करोगे। अब चलिए गाइस, हम रेज्यूम को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल और बिल्कुल ऐसा रेज्यूम बनाएंगे जिससे आपकी जॉब एक ही बार में लग जाएगी। सबसे पहले आपको रिज्यूम की एक हेडिंग बना लेनी है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ सबसे ऊपर सेंटर में। फिर इसके बाद आपको अगले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स की हेडिंग बनानी है, कुछ इस तरीके से गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसको आपको साइज यहाँ पर 22 रखना है, उसको बोल्ड रहने देना है। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में बोल्ड को अनबोल्ड कर देना है, और साइज आपको क्या रखना है, 20। जैसे साइज रखोगे आप गाइस 20, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है नेम। फिर आपको यहाँ पर 5-6 बार स्पेस ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए एक नाम ले लेता हूँ, किरण मेहरा। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है, और यहाँ पर आपको 4-5 बार फिर इसे स्पेस ले लेना है, और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वार्ड 8 ग्वालियर। फिर आपको थर्ड कॉलम बना ली ईमेल आईडी की। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, जो आपकी करंट ईमेल आईडी हो वही डालनी है आपको। फिर आपको चौथे नंबर पर यहाँ पर डालना है अपना मोबाइल नंबर। जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर हमारा पर्सनल डिटेल्स वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी उसका नाम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और इसको साइज को हम करेंगे 22। क्या साइज करना है गाइस, 22, और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड के ऊपर एक एरो दिखाई दे रही होगी जिसमें आपका बोल्ड डिटेल अंडरलाइन वगैरह लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो आपके सामने यहाँ पर एक टेबल का आइकन मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। ये आपका 3 कॉलम वाली टेबल बनी है अभी, अब हम इसे 5 कॉलम वाली टेबल बनाएंगे। सिंपली आपको उस आइकन पर 2 बार टैप करना है तो आपके 5 कॉलम वाली टेबल कम्प्लीट हो जाएगी। फिर हम सबसे पहले कॉलम में यहाँ पर डालेंगे सीरियल नंबर, और जो हमारे सेकेंड कॉलम है उसमें डालेंगे हम कोर्स, और जो हमारे थर्ड कॉलम है उसमें डालेंगे हम पासिंग ईयर, और जो हमारे फोर्थ कॉलम है उसमें डालेंगे हम बोर्ड, और जो हमारी फिफ्थ कॉलम है उसमें हम डालेंगे परसेंटेज, जो हमारे लास्ट कॉलम है ना। अब सीरियल नंबर में हम नंबर 1 लिख के कोर्स वाले सेक्शन में जो भी कोर्स आपने किया हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ 10th कर रखी है, तो मैं फिर 10th डाल देंगे। सिंपली कुछ इस तरीके से 10 डाल दी हमने, और सीरियल नंबर 2 डालकर सेकंड कोर्स डाल देते हैं 12। अब हमें थर्ड वाली कॉलम में पासिंग ईयर लिखना है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपने जब भी पास किया पासिंग ईयर लिख सकते हैं। फिर आपको फोर्थ वाली कॉलम में अपना बोर्ड डालना है, आपने किस बोर्ड से किए, मैं यहाँ पर MP बोर्ड डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो। फिर आपको लास्ट वाली कॉलम में अपनी परसेंटेज डालनी है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से परसेंटेज डाल देता हूँ अपनी, तो गाइस मैंने यहाँ पर परसेंटेज भी डाल दी। अब अपना क्या करना है गाइस, जो मैं फर्स्ट रो है उसको पूरी को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और आपको नीचे एक एरो दिखाई दे रही है। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से होम वाले सेक्शन में आ जाना है, और इसको बोल्ड कर देना है। फिर आपको बाकी का बचा हुआ मैटर आप सिलेक्ट करोगे आप, और इसको आप क्या करोगे, होम वाले सेक्शन में जाओगे, और इसका साइज को आप कर दोगे 20 साइज करना है। और इसको आपको फिर आपको क्या करना है गाइस, अब आपको पूरी टेबल को वापस सिलेक्ट करना है, और नीचे एरो के बटन पे क्लिक करके टेबल वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको अलाइनमेंट सेंटर में डाल देना है। इससे आपका जो प्रोफेशनल हो जाएगा थोड़ा सा, जो आपकी टेबल बनाई है हमने वो प्रोफेशनल दिखने लग जाएगी थोड़ी सी। अब हम अगले स्टेप हो गए हमारे रनिंग कोर्स के, अब हम रनिंग कोर्स का यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। रनिंग कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसका साइज को हम कर देंगे 22, और इसको बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। जो भी रनिंग कोर्स आप कर रहे हो
वो सब आपको यहाँ पर नंबर वाइज लिख देना है। जो मैं सबसे पहले कोर्स लिख देता हूँ यहाँ पर BSc रनिंग फ्रॉम जिवाजी यूनिवर्सिटी। नंबर दो पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर DCA इन रनिंग। ये दोनों कोर्स हमारे रनिंग में चल रहे हैं, हमने मान के चला है, इसलिए हम इन दोनों को रनिंग में डाल देते हैं। और आप इस तरीके से आप जितने भी कोर्स आपके रनिंग में चल रहे हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब हमें क्या डालना है यहाँ पर गाइस, वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत मैटर करता है गाइस। तो हम यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डाल के इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमारा साइज 22 कर देंगे और उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो वर्क एक्सपीरियंस में गाइस आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की हो, कुछ भी नहीं किया हो, तो आप यहाँ पर प्रेशर लिख सकते हो। नहीं तो गाइस अगर आपने कोई जॉब कर रखी हो पिछले सालों में, कभी भी आपने कुछ कर रखा हो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, मैंने IT सेक्टर में कोई काम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 ईयर एक्सपीरियंस इन IT सेक्टर। अगर आपने अभी तक कोई भी जॉब कुछ भी नहीं किया हो, तो आप यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से फ्रेशर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताया हुआ है। अब गाइस हम नेक्स्ट हेडिंग जो बनाएंगे वो एक ऑप्शनल हेडिंग होगी, उसको चाहो तो आप बना भी सकते हो और नहीं भी। इसका नाम है अवार्ड्स। हम अवार्ड्स का एक सेक्शन बनाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो अवार्ड्स का बना दिया। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे, इसका साइज कर देंगे 22, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पर अवार्ड्स में लिखता हूँ, जैसे कि मुझे एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट रैंक का अवार्ड मिला था, फर्स्ट रैंक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन डालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स गिवन अबव आर जेन्युइन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। अब गाइस हमारा जो रिज्यूम है वो 95% तक बनकर तैयार हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हमारा बिल्कुल ही प्रोफेशनल और बेहतरीन रिज्यूम लग रहा है, इसमें ज्यादा हमने कुछ भी कचरा नहीं भरा है, इसको हमने बिल्कुल प्योर और जेन्युइन बनाया है, जिससे इसको पढ़ने वाले को भी आपके बारे में कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी मिल सके और उसको पढ़ने में भी मजा आए। अब जो हमारा आखिरी काम बचा है, अब गाइस हम इसमें एक फोटो और ऐड करेंगे, हमारा एक पासपोर्ट साइज का फोटो ऐड करेंगे। फोटो को लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अपना इसको थोड़ा साइड में स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से एक फोटो को अपने को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पासपोर्ट साइज और सिंपल फोटो हो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे एरो वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से इन प्रिंट ऑफ टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपने फोटो को होल्ड करके यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेना है इसको अपने हिसाब से, जिससे आपका रिज्यूम प्रोफेशनल लगे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारा रिज्यूम कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे गैलरी में सेव करेंगे। गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से सेव एज पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ से ऊपर एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि वो भी अपने रिज्यूम घर बैठे खुद बना सके। थैंक यू।